हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉइंट के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि गिफ्ट कार्ड को इस्तेमाल करके हम फ्लिपकार्ट के अंदर कैसे परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे अगले वीडियो हमने सीखा था कि गिफ्ट कार्ड को हम बिटकॉइन से कैसे परचेज करेंगे, तो वो हमने सीखा था कि नाफा के अंदर हम गिफ्ट कार्ड को परचेज करके और उसके बाद उसके थ्रू हम इंडिया के अंदर परचेजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर और वहाँ से ओपन करेंगे फ्लिपकार्ट को। और फ्लिपकार्ट के ऊपर हम जाते ही कोई भी चीज़ हो उसको हम परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी एक माउस ले रहा हूँ, तो माउस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो माउस के ऊपर क्लिक करते ही हमारे पास माउस की डिटेल आ जाएगी, कौन सा किस कंपनी का माउस है और किस कलर का है। ठीक है, तो पूरी समरी आ जाएगी। उसके बाद में हम इसको करेंगे बाय के ऊपर क्लिक। बाय के ऊपर क्लिक करते ही ये हमारे पास बता देगा कि डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है, कितने में हमें जाएगा, लॉस्ट कॉस्ट के अंदर पड़ेगा। ये 210 रुपये का हमें पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट के लिए कि पेमेंट आप किस तरह नेट बैंकिंग से करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कैश डिलीवरी करते हैं या ईएमआई करते हैं। लेकिन नॉट ईएमआई तो अपने पास नॉट एप्लीकेबल है, तो इसके लिए हम तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे नहीं। सबसे पहले हम जाएंगे, हमें तो गिफ्ट कार्ड से परचेजिंग करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एड न्यू। ठीक है, गिफ्ट कार्ड के सामने लिखा हुआ एड न्यू, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आ जाएगा वाउचर, पिन नंबर। तो पिन नंबर आपको पता ही है कि हमारे को इसके अंदर आए हुए हैं मेल के अंदर पिन नंबर और गिफ्ट कार्ड आईडी। तो सबसे पहले जहाँ पे गिफ्ट कार्ड आईडी डालेंगे उसके बाद में उसका पिन डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डालेंगे गिफ्ट कार्ड आईडी और नीचे जो पिन लगेगा यहाँ पर डालेंगे पिन और उसके बाद में हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही हमारे पास ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा और 3 से 4 दिन के अंदर हमें फ्लिपकार्ट घर के ऊपर डिलीवर कर देगा। इसी तरह हम बिटकॉइन से नाफा के अंदर हमने गिफ्ट कार्ड लिया और उसी गिफ्ट कार्ड को हमने इस्तेमाल किया अपने फ्लिपकार्ट के अंदर और कर दी परचेजिंग। तो यानी ऑनलाइन परचेजिंग बिटकॉइन से भी हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।